हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब गाइस। आज की इस वीडियो में आपको एक कमाल का प्रोडक्ट देखने वाला है जिससे यार आपकी कार जो है बहुत ही ज्यादा धमाका करने वाली है, आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। तो गाइस जैसे कि आपको यहां दिखता है हमारे पास फ्लिपकार्ट का एक प्रोडक्ट रखा हुआ है। तो ये फ्लिपकार्ट की इसमें पैकेजिंग लगी हुई है, इसके अंदर असली प्रोडक्ट है, क्या है, कौन सा मॉडल है, कितने प्राइस में है, ये सारी चीज मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसकी जो बाहर का कवर है इसको निकाल लेता हूं ताकि आपको दिखाते दिखाते ही बता पाऊं। तो गाइस हमारी जो बाहर की रैपिंग थी वो हट गई है और अब जो हमारे पास बॉक्स आता है वो बिल्कुल एकदम ब्रांडेड आता है। यार गाइस देखो, पाइनर की बेस्ट ट्यूब हमने परचेस करी है और जो बेस्ट ट्यूब है इसमें इनबिल्ट एम्प आपको मिल जाता है, इसमें आपको अलग से एम्प लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और जो जो चीजें इसके अंदर होंगी वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। इसका मॉडल नंबर जो है वो मैं आपको बताता हूं। तो गाइस इसका मॉडल नंबर है TSWX300TA। तो ये गाइस बहुत बेहतरीन जो बेस्ट ट्यूब हमारी है क्योंकि इसको काफी रिसर्च करके हमने मंगाया है अपनी कार के लिए और आपको पता है कि हमारे पास i10 है तो i10 में ही इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। साथ ही साथ गाइस आने वाले टाइम में आपको इसमें देखने को मिलेगी कि यार काफी अच्छी स्क्रीन भी हम इसमें लगाने वाले हैं, उसके साथ हम इसको बजाने वाले हैं तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और गाइस ये 1300 वॉट की है, जो मैक्स इसकी पावर है वो 1300 में आपको देखने को मिल जाती है। गाइस इसमें 30 सेंटीमीटर का आपको वूफर देखने को मिल जाता है। तो यार बेस जो आएगा इसमें बहुत ही ज्यादा लाउड आने वाला है, बहुत ही अच्छा आने वाला है, थंपिंग बेस इसमें देखने को मिलेगा, इफेक्ट जो आपको देखने को मिलेंगे। और कार में लगाने के बाद यार जो भी रिस्पॉन्स होगा वो मैं आपको सारा बताने वाला हूं। और इसमें एक चीज और अच्छी है गाइस, हमने इसको फ्लिपकार्ट से परचेस करा। अमेज़न से परचेस करने में क्या होता है कि यार इसमें के जो प्राइस थे वो काफी ज्यादा ऊपर थे तो हमको ये काफी अच्छे रेट में मिल गया। उसके साथ साथ एक सेल चल रही थी तो सेल के दौरान हमको 1000 रुपीज का और डिस्काउंट उसमें देखने को मिल गया। तो गाइस हमको ये बेस्ट ट्यूब 7899 के प्राइस में मिल गई थी। वैसे आप नॉर्मली परचेस करेंगे तो 8899 के प्राइस में आपको देखने को मिलेगी नॉर्मली। अमेज़न में जो प्राइस थे इसके यार गाइस 13000 रुपीज की वहां देखने को मिली थी तो वो प्राइस जो थे काफी ज्यादा ऊपर के थे। यार हमको तो एक बजट में चाहिए थी, जो हमको सबसे अच्छी प्राइस मिली थी फ्लिपकार्ट में मिली थी तो वहीं से हमने इसको परचेस कर लिया। तो आप भी चाहें तो यार परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप इसको परचेस कर लीजिए। तो गाइस यार जल्दी से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं यार। और गाइस मैं एक चीज आपको और बता दूं, यार ये 3 पार्ट्स में आप इसकी वीडियोस देखने को मिलेगी क्योंकि अगर मैं सिंगल ही बनाना चाहूं तो डिटेल में आपको नहीं देखने को मिल पाएगा क्योंकि शॉर्ट बनानी पड़ेगी। तो डिटेल में आपको दिखाऊं और अच्छी तरीके से दिखाऊं इसलिए 3 वीडियो कन्वर्ट करने की सोची है मैंने। पहली में आपको इसमें अनबॉक्सिंग देखने को मिलेगी, दूसरी में इसकी जो इंस्टॉलेशन वगैरह होगी वो अच्छे से प्रोसेस देखने को मिलेगी, तीसरी वाली में इसका डिटेल में साउंड टेस्ट आपको करके दिखाएंगे कि यार कितनी बेहतरीन आपको ये बेस्ट ट्यूब देखने को मिलती है। और पाइनर की तरफ से तो यार पाइनर एक ब्रांडेड नाम है यार, पता है आपको, तो एक मजा अलग है। तो चलिए सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं किस तरीके की बेस्ट ट्यूब हमको देखने को मिलती है, कितनी बड़ी है और कितनी प्रीमियम लगती है, वो सब चीजें देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए गाइस अनबॉक्सिंग शुरू कर लेते हैं। तो गाइस ये हमारा बॉक्स कुछ इस तरीके से, कंपनी ने इसको काफी अच्छी तरीके से डिजाइन करा हुआ है। सबसे ऊपर देखें आपको यहां पाइनर की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और बेस्ट ट्यूब का डिजाइन दिखा हुआ है। तो इस तरीके के कुछ बॉक्स है, बॉक्स को आपको मैं जल्दी जल्दी में दिखाता हूँ जिससे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हम अच्छी तरीके से बातें कर पाएंगे। अब गाइस दूसरी साइड में देखें तो इसमें आपको डायग्राम दिखता है बेस ट्यूब का कि किस तरीके से बेस ट्यूब बनाई गई है। और इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो यहाँ आपको डिस्क्राइब किया गया है क्या क्या चीज़ें इस बेस ट्यूब के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, वो सब चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि इसकी बेस ट्यूब का हाइट, वेट और इसका वूफर साइज। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट निकाल के इसमें सारी चीज़ें देख सकते हैं। आगे चलते चलते मैं आपको ये सब चीज़ें बताने वाला हूँ। तो गाइस चलिए जल्दी जल्दी अपनी बेस ट्यूब को अनबॉक्स कर लेते हैं और इसके अंदर से बेस ट्यूब निकालते हैं, फिर देखते हैं किस तरीके की बेस ट्यूब हमको इसमें देखने को मिलती है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या एक्सेसरीज मिलती है, वायरिंग किस तरीके की है, वो सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे। तो गाइस ये वाला जो पैकेट हमको मिलता है बेस ट्यूब के साथ, इसके अंदर हमको मैनुअल मिल जाती है और काफ़ी सारी केबल्स देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यूज़र मैनुअल को। तो गाइस ये है वारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड इस तरीके का इसके साथ मिल जाता है। और गाइस ये वाली है यूज़र मैनुअल, आप चाहें तो इसके पढ़ सकते हैं। यह है गाइस येल्लो वायर जो कि हमारी पावर सप्लाई केबल के काम आता है और इसके साथ आपको फ्यूज़ भी देखने को मिलता है जो कि 20 एम्पीयर के साथ हमको देखने को मिल जाता है। और गाइस यह है ब्लू वायर, ब्लू वायर रिमोट वायर होती है जो कि इंजन स्टार्ट होने में एम्पलीफायर को स्टार्ट करता है और इसके साथ आपको 2 RCA केबल भी देखने को मिल जाती है। और गाइस इसके साथ हमें बेल्ट भी देखने को मिलती है, तो ये बेल्ट के ही कुछ स्क्रूज़ हैं और कुछ क्लैम्प्स हैं, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ।
तो गाइज ये देखिए, आपको यहाँ कुछ स्क्रूज दिखते हैं जो पॉलीथीन के अंदर हैं, और कुछ क्लैंप्स दिखते हैं, ये हमारी बेल्ट को सपोर्ट देने के काम आते हैं। और गाइज ये है बेल्ट जिसको मैं बता रहा था, ये बेल्ट गाइज काम आती है हमारी बेस ट्यूब को बूट पे अच्छी तरीके से फिक्स करने के लिए, तो उस चीज़ के लिए ये काम आती है बेल्ट। तो गाइज अब खोल लेते हैं हमारी मेन यूनिट यानी कि हमारी बेस ट्यूब, इसको पूरा रैपिंग जो है इसकी अनरैप करते हैं और इसके बारे में तब तक कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे कि गाइज ये बेस ट्यूब है, गाइज ये इनबिल्ट क्लास डी एम्पलीफायर बेस ट्यूब है, और क्लास डी एम्पलीफायर होने के कारण इसमें 80-90% जो है आउटपुट दे देती है ये बेस ट्यूब। अब इसकी वेट की बात करें तो गाइज ये 9.6 kg की है, और इसका ग्रॉस वेट मतलब कि पूरा टोटल वेट नापे तो 11.5 kg के आसपास का इसका वेट है। 12 इंच का इसमें डाया आपको देखने को मिलता है, यानी कि इसका जो वूफर साइज है वो 12 इंच का है, और इसकी जो पावर है वो मैक्स 1300 वॉट तक जा सकती है। नॉमिनल पावर की बात करी जाए तो यार ये 350 वॉट्स तक जाती है। आउटपुट सोर्स इसमें डीसी 14.4 वोल्ट तक है। मैक्सिमम पावर कंजप्शन 13 एम्पियर का है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की बात करें तो 20 हर्ट्ज टू 130 हर्ट्ज तक जाता है। टोटल साइज़ की बात करें तो 33 सेंटीमीटर का डाया आपको देखने को मिलेगा, और इसकी लंबाई की बात करें तो 66 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई है। अब गाइस सबसे आगे आप देखें तो यहाँ पाइनर की आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है, दूसरी साइड से देखें तो आपको यहाँ बेस होल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ का है। और गाइस सबसे अच्छी चीज़ मेरे को इसमें क्या लगती है कि यार जो इसका एम्पलीफायर होता है वो इनबिल्ट है इसके अंदर, आपको एक्सटर्नल एम्प लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ गेन देखने को मिलेगा, इसको आप मैक्सिमम मिनिमम कर सकते हैं, मतलब कि जो आपकी बेस होती है उसको आप हाई और लो कर सकते हैं। उसके बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पावर LED आपको देखने को मिल जाता है, उसके नीचे RCA इनपुट देखने को मिलता है, और गाइस हमको 20 एम्पियर का फ्यूज़ भी दिया गया है। उसके नीचे देखेंगे आपको काफ़ी सारी चीज़ों के इनपुट्स का स्विच देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ आपको कंप्लीट हो जाती हैं। अब चलते हैं दूसरी तरफ। तो गाइस अब आगे हम अपने फ्रंट साइड में देखेंगे तो यार फ्रंट का लुक काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। इसमें आप देखेंगे तो कार्बन फाइबर का आपको लुक देखने को मिलेगा, पाइनर की ब्रांडिंग प्लस क्रोम की काफ़ी सारी जगह जगह दी गई है, और इसके अंदर 33 इंचेस का डाया आपको देखने को मिलता है। गाइस हो गई है अनबॉक्सिंग हमारी कंप्लीट, और जितने भी इसमें स्पेसिफिकेशन थे और इसका लुक जो था वो सब कुछ आपने देख ही लिया है इस वीडियो के अंदर में, और जो भी चीज़ें आने वाले टाइम पे है गाइस सब आपको डिटेल में देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है उस पर गाइस आपको जो इसकी इंस्टॉलेशन है वो पूरी डिटेल में देखने को मिलेगी, और उसके बाद आपको साउंड डेमो बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलने वाला है। गाइस अपना ओपिनियन बताऊं कि यार मेरे को किस तरीके की लगी ये बेस ट्यूब, तो यार गाइस काफ़ी बेहतरीन बेस ट्यूब है, क्योंकि इसके अंदर एम्प मिल जाता है ये तो सबसे अच्छी बात है, और दूसरा जो इसका लुक है वो भी काफ़ी प्रीमियम है, और साथ में आपको ब्रांड जो मिलता है पाइनर का मिल जाता है, तो यार ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। और देखने के बाद लग रहा है कि यार ये जो बजेगी साउंड इसका जो आएगा इसका बहुत ही तगड़ा बेस आने वाला है, ऐसा इसको देख के फील आ रहा है अभी से। तो नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखिएगा क्योंकि उनमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, और उसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें तो यार साउंड देखने को मिली जाएगी, उसमें कहर तरीके से इसका डेमो लेंगे बढ़िया करके। और गाइस बिल्ड क्वालिटी जो है इसकी काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि यार जो पकड़ने के बाद भी एक फील आ रहा है कि यार जो बिल्ड क्वालिटी होती है किस तरीके की है, तो बहुत अच्छी क्वालिटी में इसको बनाया गया है। और आपको पता है यार जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं वो R&D के बाद ही बनती हैं, तो यार क्वालिटी वाइज तो यार बिल्कुल एकदम औसम ही है, क्योंकि लोकल बेस्ट जो होती है उन पर एम्प मिल जाता है इसके अंदर ही, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो इसके अंदर अभी देखने के बाद आ रहा है। अब बाकी आपको आने वाले टाइम पे दिख जाएगा क्या क्या चीज़ें हैं, तो आई होप बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो यार गाइस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है, और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके इसको परचेज कर सकते हैं आप। तो मिलते हैं इसी नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।